दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी लिंक नहीं, अगर लिंक है भी तो दोस्तों आपका फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी गलत है, आप उसे अपडेट करवाना चाहते हो, आप उसे चेंज करवाना चाहते हो, तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ही आसानी से अब आप घर बैठे भी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका की उम्र 5 साल से कम है, अगर उसका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, तो घर बैठे दोस्तों 5 साल से कम वाले बच्चों का आप यहां पे आधार कार्ड भी बनवा सकते हो। दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड UIDAI ने मिलकर एक पोर्टल बनाया, जिस पोर्टल के मदद से दोस्तों आप अपना आधार कार्ड का फोन नंबर चेंज करवा सकते हो या फिर ईमेल आईडी अपडेट करवा सकते हो, या फिर आपके घर में अगर 5 साल से कम का कोई बच्चा है जिसका कि अभी तक आधार कार्ड नहीं बन पाया, तो वो आधार कार्ड भी अब आप घर बैठे ही बना सकते हो। तो लाइव दोस्तों मैं भी आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से दोस्तों इस पोर्टल के मदद से दोस्तों आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड नंबर, अपना ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ आप किस तरह से अपडेट करा सकते हो या फिर ऐड करा सकते हो। तो वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल से भी मिस मत करना। तो चले करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। दोस्तों आधार कार्ड में ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर को लिंक कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए या फिर चेंज कराने के लिए दोस्तों सिंपली से आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जिसका कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सिंपली से आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो सिंपली से आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स वगैरह भरना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना नाम भर देना, सेकेंड वाले बॉक्स में आपका एड्रेस जहाँ पर करेंट रह रहे हो वो एड्रेस आप एंटर कर देना, थर्ड में जो भी आपका एरिया पिन कोड है वो एंटर कर देना, एंड फोर्थ बॉक्स में दोस्तों अगर आप अपना ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो सिंपली से जो ईमेल आईडी आप चेंज करके लगाना चाहते हो वो ईमेल आईडी यहां पे एंटर कर देना। सेम फोर्थ वाले बॉक्स में अगर आप अपना फोन नंबर चेंज करना चाहते हो तो जो फोन नंबर आप चेंज करवाना चाहते हो वो फोन नंबर यहां पे एंटर कर देना। फोर्थ में यहां पे आपको पूछ रहा है सेलेक्ट सर्विस, सिंपली से सेलेक्ट सर्विस ऑप्शन में आपको यहां पे लास्ट के सेकंड वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है IPPB आधार सर्विस, तो सिंपली से IPPB आधार सर्विस को आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करवाना चाहते हो, यहाँ पे 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों का आधार कार्ड बनाना चाहते हो या फिर आप अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को लिंक या अपडेट कराना चाहते हो। सिंपली से दोस्तों आप जो भी कराना चाहते हो, सपोज डैट मैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड के साथ ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर लिंक कराना चाहता हूँ तो सिंपली से इस ऑप्शन को क्लिक कर लूँगा। तो सिंपली से सबसे पहले आपको ये सारा डिटेल्स भर लेना है। जैसे ही दोस्तों ये सारे डिटेल्स को आप लोग अच्छी तरह से भर दोगे, उसका नेक्स्ट नीचे आपको एक बटन दिख रहा है रिक्वेस्ट OTP, सिंपली से इस पर आप क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे जो भी नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया है उस नंबर पे आपको एक OTP रिसीव होगा, तो सिंपली से दोस्तों इस बॉक्स में आपको वो OTP एंटर कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप OTP एंटर कर दो नीचे आपको एक बटन दिखेगा कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट, जैसे ही दोस्तों आप कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट सबमिटेड हो चुका है। एंड दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर आपके लोकल पोस्ट ऑफिस से एक बंदा आएगा, एंड जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है कि आपको आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर या फिर ईमेल आईडी को अपडेट या फिर चेंज कराना है, तो घर पे आके दोस्तों बायोमेट्रिक मशीन के हेल्प से आपका वो घर में आके दोस्तों ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर अपडेट कर देगा। एंड बदले में दोस्तों आपको 50 रुपया चार्जेस उसे पे करना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आप अपने रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करना चाहते हो उसके लिए सिंपली से दोस्तों नीचे में आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर देखने को मिल रहा है, इस रेफरेंस नंबर को यहाँ से सिंपली से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है क्लिक टू ट्रैक रिक्वेस्ट, सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, एंड यहाँ पे नीचे में आपको बॉक्स दिया गया, इस बॉक्स में सिंपली से वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे पेस्ट कर दो जो रेफरेंस नंबर आपने भी जस्ट कॉपी किया था। उसके बाद सिंपली से नीचे आपको फेच का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फेच के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही दोस्तों आप फेच के ऑप्शन क्लिक कर दो तो नीचे आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे आपका स्टेटस देखने को मिला, जैसे कि मैंने अभी जस्ट रिक्वेस्ट दिया इसलिए मेरा अभी स्टेटस पेंडिंग में बता रहा है, बट जैसे जैसे आगे प्रोसेसिंग होते रहेगा तो यहाँ पे मुझे स्टेटस के नीचे जस्ट हमें यहाँ पे बताते रहेगा कि मेरा यहाँ पे अभी तक जो रिक्वेस्ट है वो किस कंडीशन में है। तो आई होप कि दोस्तों आपने सीख लिया होगा किस तरह से दोस्तों आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी आप किस तरह से चेंज करवा सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपके घर में 5 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसका आधार कार्ड आप घर बैठे किस तरह से बना सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो भी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह के यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जैन इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।